सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग थोड़ा कंसेप्ट्स देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है. सो विल हैव थ्री डिफरेंट कंसेप्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट any position for r very very greater than a. ये हम लोग देखेंगे. Let's see. Let's first draw dipole. So dipole के लिए हमारे पास this is the dipole axis. And we have two dipoles. Do equal and opposite charges, minus q plus q, right? और हमारे पास एक डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे कि हमको पता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज 2a. नाउ ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर. मॉड भी इसका पी ही ले लेते हैं, राइट? डाइपोल मोमेंट पी, राइट? तो इसके पास हम लोग एक पॉइंट लेंगे आर. आप कोई भी पोजीशन में लो, राइट? डिफाइंड बाय डिस्टेंस आर एंड एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट. जैसे मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ये यहाँ पे ये रहा वो डिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, हियर इज दिस पॉइंट एम, दिस द पॉइंट एम, राइट? आई वांट टू कैलकुलेट डाइपोल ड्यू टू सॉरी फील्ड इंटेंसिटी एट एम ड्यू टू दिस dipole. This is any point M. Now how this point is point M is decided, located, this angle theta and distance r from O. So prerequisite knowledge which is required, first is आपको axial electric field का formula याद होना चाहिए. एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवेन बाय 1/4πε0 टू पी वैक्टर बाय आर क्यूब फॉर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए. एंड सिमिलरली इक्विटोरियल, मैं यहाँ पर डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूँ, -1/4πε0 पी वैक्टर बाय आर क्यूब. दिस इम्प्लाइज ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट? नाउ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास ऐसा टाइप आएगा, कोई भी लोकेशन में निकालना होगा, जस्ट रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द पॉइंट, एंड अनदर परपेंडिकुलर टू इट. आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे. पहला कॉम्पोनेंट आपके पास क्या होगा, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज योर फर्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग. सी पहला कॉम्पोनेंट पी वन वैक्टर along the line joining, दूसरा आपके पास आएगा perpendicular to the line joining, ये रहा, ये method है, right? इसका mod आपको पता है, ये इसका mod अगर आपके पास क्या है, P है, तो इसका mod आपके पास क्या हो जाएगा, P cos theta, और इसका mod आपके पास क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा. एकदम सिंपल है.
right? P cos theta and P sin theta. Simple. Now, to अब हम लोग यहाँ पर दो डिफरेंट सिनेरियो आ गया, तो दो डिफरेंट सिनेरियो को दो डिफरेंट तरीके से ही डील करेंगे. पहला पहला हम लोग देखेंगे इस तरीके का कुछ सिनेरियो जो हम लोग पहले कॉस थीटा की वजह से निकालेंगे. ये रहा वो पॉइंट ओ, एंड इसको सीधा ज्वाइन कर रहे हैं एम पे, राइट. सो आई विल हैव दिस पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट ओ. यहां पर मैं दोनों नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पी वन वैक्टर बनाऊंगा. एंड नाउ यू कैन सी दैट इसका मॉड आपके पास p cos थीटा, एंड यू कैन सी दैट फॉर दिस डाइपोल p1 वेक्टर m इज एट एक्सियल पोजीशन. यू कैन सी दिस, मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकता हूँ फॉर p1 वेक्टर m इज एट एक्सियल पोजीशन lying along the axis of dipole. P1 vector के लिए तो not for P vector, for P1 vector m is at axial position. इसलिए इसको in along the axis and perpendicular to the axis बनाया. तो फिर हम यहाँ पर electric field at m due to 1 निकालना चाहते हैं. तो obviously बात है axial position में है तो ऐसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू वन, ऐसे ही आएगा. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे इसका, एंड इज गिवन बाय वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी वन वेक्टर का मॉड आर क्यूब विच इज़ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब. खत्म. सो नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट चाहिए अब वापस से सेम सिनेरियो है. यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसा एक ड्रॉ कर रहे हैं, वही सेम ड्रॉ किया, सिनेरियो भी सेम है. आपके पास यहाँ पर वही पॉइंट एम है और बस छोटा सा चेंजेस है आपके पास. चेंजेस इज दिस, ये पॉइंट ओ है एंड चेंज क्या है, ये है चेंज. डाइपोल मोमेंट टू जिसका मॉड है पी साइन थीटा. नाउ यू कैन सी दैट ये परपेंडिकुलर है 2 को. दिस ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट 2. तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकता हूँ फॉर पी टू वैक्टर फॉर डाइपोल मोमेंट 2 एम इज एट इक्विटोरियल पोजिशन. खत्म. तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू 2, आप जानते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया. तो यहाँ पर अगर वैल्यू लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू 2 का मॉड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी टू वैक्टर का मॉड बाय आर क्यूब विच इज़ 1 बाय सॉरी 2 तो इधर नहीं लगाऊंगा बिकॉज इट्स एन इक्विटोरियल,
1 by 4 pi epsilon naught p sine theta by r cube. खत्म. अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाते हैं. ओरिजिनल क्वेश्चन ये डाइपोल की वजह से m में कितना फील्ड है, जैसे कि अलग अलग की वजह से पता चल गया. अब सेम टोटल की वजह से पता चल जाएगा. सी रीड्राइंग इट. माइनस क्यू प्लस क्यू एम दिस इज ओ एंड यहाँ पर आपके पास क्या है पी वेक्टर. ये ओरिजिनल क्वेश्चन में आ गए. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख दो. आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आई ई एट एम बाय वन, जिसका मैग्नीट्यूड हमको पता है. दूसरा आया परपेंडिकुलर ई एट एम बाय टू. तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, सो यू कैन अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओवर हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम बाय वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम बाय टू. नाउ यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. सिंस एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री, आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ये 90 ही होगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एम वेक्टर एट एम का मॉड इज इक्वल टू, देखो यहाँ कॉमन क्या क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब. 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब पहले ही बताया था, जो कॉमन है उसको स्क्वायर रूट के अंदर मत लेना क्योंकि फार्मूला आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री है. तो फार्मूला है आपके पास ई एम बाई वन का स्क्वायर प्लस ई एम बाई टू का स्क्वायर. आई होप आपको फार्मूला समझ में आ रहा हो. तो जैसे कि आपको बताया था जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि वो स्क्वायर होगा फिर कॉमन निकलेगा, इतना करेंगे इससे अच्छा. अब जो कॉमन पार्ट है इन दोनों में, जैसे यहाँ पर है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा और यहाँ पर ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बाय आर क्यूब. ये टोटल कॉमन निकाल लेता हूँ, सॉरी पी बाय आर क्यूब, वहाँ साइन थीटा है, पी बाय आर क्यूब कॉमन निकल गया. अंडर रूट ऑफ 4 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, जो थीटा दे दिया जाएगा आप वो कैलकुलेट कर लेंगे. सो एट दिस पॉइंट एम देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम. नाउ ये एंगल एक अल्फा बनाएगा एम के साथ, आप यहाँ चेक कर सकते हैं. अल्फा बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एम के साथ. तो यहाँ पर आप टेन अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो बहुत अच्छी वैल्यू आएगी टेन अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो. टेन अल्फ़ा इक्वल्स देखो किसके साथ बना रहा है, एम वन के साथ बना रहा है. तो टेन अल्फ़ा इज कैलकुलेटेड बाय ई एम बाय टू मॉड बाय ई एम बाय वन का मॉड. सो एम बाई टू इज पी साइन थीटा बाई आर क्यूब. एम वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो कट जाएगा. सो यू विल गेट हाफ टेन थीटा. तो ये एंगल ग्राउंड के साथ नहीं बन रहा है राइट, ये एंगल बन रहा है एक्सिस के साथ. दिस एक्सिस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये रेडियस के साथ या लाइन ज्वाइनिंग ओ एम, लाइन ज्वाइनिंग ओ एम के साथ ये एंगल बन रहा है टेन अल्फ़ा. तो टेन अल्फ़ा इज़ गिवन बाय हाफ टेन थीटा. अच्छा अगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये वाला लाइन ज्वाइन करते हैं राइट, ये वाला एंगल थीटा है, तो व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म बाय विथ एक्सिस, अल्फ़ा प्लस थीटा.
थीटा आपको पता है, अल्फा आप निकाल लेंगे, एंगल फॉर्म बाय एक्सिस विथ एक्सिस इज अल्फा प्लस थीटा इज, ये आपके पास अल्फा क्या है, एंगल फॉर्म बाय ईएम वेक्टर विथ ओएम, एंड अल्फा प्लस थीटा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय ईएम विथ एक्सिस डाइपोल एक्सिस, राइट। इस तरीके से ये आंसर है आपके पास। तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन बोल दिया जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा दिस अल्फा एंड थीटा परपेंडिकुलर टू इच अदर, वो क्वेश्चन आप करना निकालना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट जो हमको चाहिए था, राइट। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ये वाले दो क्वेश्चंस आप करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू पी इज परपेंडिकुलर टू पी, ये टर्म का मतलब समझना, मतलब ए पे जो फील्ड है, पी तो ऊपर की तरफ मतलब एक्सिस, ए पे जो फील्ड है, दिस इज फील्ड एट ए इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब ये रहा परपेंडिकुलर है एक्सिस को। इसका मतलब आई होप आपको ये बात समझ में आए, ये आपके पास क्या है, रेडियल, राइट। और ये एंगल आपके पास हो गया जिसके साथ एंगल बनाता है, रेडियल के साथ एंगल बनाता है, ये एंगल आपके पास हो गया अल्फा। तो ये हिंट है, खुद कीजिएगा। और ये एंगल वैसे भी आपके पास क्या है, थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट थीटा, वो आपको निकालने का है। ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा, और नहीं तो ये वाला क्वेश्चन एक करने का है, थ्री चार्जेस वाला। ये दो क्वेश्चंस प्लीज़ कीजिएगा, डाउट है तो बताइएगा।